पिछले दिनों भाजपा में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चले मंथन का असर अब दिखने लगा है। दिल्ली से मिले निर्देशों के आधार पर पार्टी के नेताओं का अब लाल बत्ती बांटने का सिलसिला शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के बाद राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग में भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य नामित कर दिए हैं। इन सभी को दर्जा प्राप्त मंत्री के तौर पर लाल बत्ती दी जाएगी। सहारनपुर के जसवंत सैनी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हीरा ठाकुर और प्रभुनाथ चौहान को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा आयोग में 25 सदस्य भी नामित किए गए हैं। इससे पहले बुधवार को आगरा के डॉक्टर राम बाबू हरित को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग में अध्यक्ष नामित किया गया। वहीं शाहजहांपुर के मिथिलेश कुमार व सोनभद्र के राम नरेश पासवान को आयोग में उपाध्यक्ष और 15 अन्य को सदस्य नामित किया गया। समाज कल्याण विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बीते सप्ताह दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भेंट के बाद प्रदेश के आयोगों, निगमों व परिषदों में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को नामित करने की यह प्रक्रिया शुरू हुई है। सूत्रों का कहना है कि योगी की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान इन खाली पदों का मामला भी उठा था। मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद अब ये माना जा रहा है कि जल्द अन्य सरकारी संस्थानों में भी भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं का समायोजन किया जाएगा।